गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत प्रिस्टिस फिश, जो कि एक उपास्थिल कार्टिलेजिनस फिश है, उपास्थिल मछली है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन, कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन इसकी क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन स्टेटस क्या होता है, कहाँ इसको रखा जाता है, कौन कौन से टैक्सा में। सबसे पहले इसका फाइलम, जैसा कि अभी अपन पढ़ रहे हैं जो फिशेज हैं अपनी, उन्हें ही अपन पढ़ रहे हैं। तो जो उपास्थिल मछलियां होती हैं, कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, वो फाइलम कोडेटा में रखी जाती हैं। इसके की करेक्टर तुम सब जानते हो कि नरकोड, नोटोकोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना। सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा होता है, वर्टिब्रल कॉलम की में प्रेजेंस होती है। इसका इंफ्रा फाइलम की अगर अपन बात करें तो वो नेथोस्टोमेटा होता है। नेथोस्टोमेटा की खास बात होती है कि उनमें जबड़े पाए जाते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। क्लास है कॉन्ड्रिक्टिस, कार्टिलेजिनस इनका एंडोस्केलेटन होता है, जो अपन प्रिस्टिस फिश की बात कर रहे हैं। और ऑर्डर इसका राजी फॉर्मिस या हाइपोट्रीमेटा होता है, जिसमें कि जो ओपनिंग होती है वो इनकी वेंट्रल होती है, जो इनमें गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम रंध्र जिन्हें कहते हैं, गिल पोर पाए जाते हैं, वो वेंट्रल साइड पे पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें ऑर्डर राजीफॉर्मिस या इसको हाइपोट्रीमेटा कहते हैं। जो ये हाइपोट्रीमेटा वर्ड है ये खुद ही बताता है, हाइपो का मतलब होता है बिलो या नीचे, ट्रीमेटा की ओपनिंग। तो जो गिल ओपनिंग है वो इसकी वेंट्रल साइड पे पाई जाती है, इसलिए इसको राजीफॉर्मिस या हाइपोट्रीमेटा ऑर्डर में रखा जाता है। फैमिली इसकी प्रिस्टिडी है। प्रिस्टिडी की खास बात जो की करेक्टर होता है वो होता है कि इसका स्नाउट होता है वो बहुत लंबा होता है और उस पर टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं उसमें, जिनकी वजह से वो इसका स्नाउट है वो आरे जैसा हो जाता है। और जीनस इसका प्रिस्टिस है। और प्रिस्टिस जीनस में जो इंडिया में पाई जाने वाली फिशेस हैं, इंडिया के जो भी सी बीचेस हैं वहाँ पाई जाने वाली जो फिशेस हैं उनकी स्पीसीज अपने यहाँ पे होती है। एक तो होती है कैस्पीडेटस और एक अपनी जो स्पीसीज है जो इंडिया के सी बीचेज पे पाई जाती है वो है माइक्रोडोन। तो ये इस तरह से इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन होती है। इसके बाद अपन इसकी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये दिखती कैसी है। तो जो इसको नाम मिला है शॉफिश, तो ये मिला है इसकी जो ये स्नाउट है इसकी वजह से। तो इसका जो स्नाउट है, जो इसके माउथ का एंटीरियर पार्ट है, वो एक प्रोजेक्शन के रूप में, एक्सटीरियर प्रोजेक्शन के रूप में बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये इस तरह से बहुत लंबा पतला लंबा निकला हुआ होता है। और इसके दोनों तरफ जो सबसे खास बात है जिसकी वजह से इसको नाम मिला है, तो दोनों तरफ पहने ये स्केल्स पाए जाते हैं, पहने स्केल्स जो दांत जैसे होते हैं, टीथ जैसे होते हैं। और इनकी वजह से ये जब भी अपने हैबिटेट में गुजरती है अपने फीडिंग के लिए, तो ये इस स्नाउट को ऐसे हिलाते हुए चलती है, जिसकी वजह से इसके रास्ते में आने वाली जो फिशेज होती हैं वो इनकी वजह से, ये जो इसका स्नाउट है आरी जैसा जिसमें दोनों तरफ दांत हैं, स्केल्स हैं जो दांतों जैसे हैं, इसकी वजह से जो फिशेज आती हैं रास्ते में वो घायल हो जाती हैं, उनकी बॉडी कट जाती है, किसी के फिन्स कट जाते हैं तो वो घायल हो जाती हैं। और फिर ये आराम से अपना भोजन करती है, क्योंकि वो वहाँ से भागने की, इससे बच निकलने की स्थिति में नहीं रहती हैं। तो ये इसकी मेन खास बात होती है। बाकी जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं उसी की तरह इसकी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर होती है। बस एक डिफरेंस और होता है, जो राजीफॉर्मिस हाइपोट्रेमेटिक इलास्मोब्रैंक्स या कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं वो डोर्सोवेंट्रली एकदम से चपटी होती हैं, लेकिन ये इतनी चपटी
नहीं होती है। अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखें अपन, जो इसमें अपन को दिख रहा है, तो ये एकदम से चपटी नहीं होती है। जैसे कि अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक रे जो है वो एकदम चपली चपटी होती है, एकदम पतली होती है, लेकिन ये डोर्सोवेंट्रली इतनी ज़्यादा चपटी नहीं होती है। वही पेक्टोरल और पेल्विक फिनिन में पाए जाते हैं, और हेट्रोसर्कल डोर्सल और वेंट्रल एनल कोडल फिन इनमें पाए जाते हैं, और इसकी जो टेल होती है वो हेट्रोसर्कल टेल इसमें पाई जाती है। इस तरह से इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है। और मेन इसकी खास बात थी वो ये थी कि इसमें आरी जैसा ये अपना स्नाउट पाया जाता है, और जो आँखें हैं इनकी आईज होती हैं ये लेटरली होती हैं हेड रीजन पे, और ये आँखों के जस्ट आगे स्पाइरिकल ओपनिंग, इनमें दो स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके जनरल करेक्टर्स की। तो जनरल करेक्टर्स अगर अपन इसके देखें, शॉ फिश के देखें, तो जो प्रिस्टिस है फिश है, प्रिस्टिस जीनस है शॉ फिश का, जो कि प्रिस्टिडी फैमिली में रखा जाता है। ये लार्ज, इसकी साइज लार्ज होती है, ये लगभग 3 से 6 मीटर लंबी होती है। तो ये काफ़ी लंबी फिश होती है, बड़ी फिश होती है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड वाइड ये पाई जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, कोस्टल मैरीन, जो समुद्री पानी है उसमें ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। साथ ही ये फ्रेश वाटर में भी मिलती है, फ्रेश वाटर लेक और रिवर्स में भी ये पाई जाती है। जो शॉ फिश है ये भी, इसकी भी जो पॉपुलेशन है ये बहुत जल्दी कम हो रही है, और इसकी सभी स्पीसीज, शॉ फिश की भी सभी स्पीसीज सीरियसली थ्रेटन्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं। सीरियसली थ्रेटन्ड, ये एक थ्रेटन्ड स्पीसीज है, और ये सीरियसली थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। जैसा कि अपन ने कल बात की थी, राइनोबेटस जो अपनी फिश है वो भी, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुकी है। वो भी जो इसकी अपन इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखें, तो ये दोनों ही फिशेस के कंजर्वेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस प्रिस्टिस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसा कि अपन बात कर चुके हैं, इसका डिस्टिंक्टिव जो फीचर होता है शॉ फिश का, ये इसका शॉ लाइक रोस्ट्रम, एक आरी जैसा इसका रोस्ट्रम, जिसमें कि एक रोस्ट्रल टीथ जो वाइट कलर के होते हैं दोनों साइड पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आरी जैसी संरचना बन जाती है, भयानक हथियार जैसी एक संरचना बन जाती है। तो इस वजह से इसका नाम प्रिस्टिस है, और ये इसका डिस्टिंक्टिव, इसको पहचानने का फीचर। शॉ फिश प्राइमरीली कोस्टल मरीन और एस्चुरियन ब्रेकिश वाटर में पाई जाती है, लेकिन ये यूरी हेलाइन सेलिनिटी के प्रति अडेप्ट हो सकती है, और फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है। इसलिए ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, समुद्री जल दोनों में पाई जाती है। और इसके जो लार्ज टूथ हैं, अल्टरनेटिवली कॉल्ड द फ्रेश वाटर शॉ फिश, जो लार्ज टूथ शॉ फिश होती है उसको अपन फ्रेश वाटर शॉ फिश भी कहते हैं, और जो कि मेनली फ्रेश वाटर में ही पाए जाना उसका वो प्रेफर करती है, और फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। और ये अमेजोन रिवर, और अगर इसका अपन वर्ल्ड वाइड देखें कि इसके हैबिटेट कौन कौन से हैं, तो अमेजोन रिवर और निकारागोआ लेक, इनमें ये फ्रेश वाटर में सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी। और स्मॉल टूथ जो शॉ फिश है वो ग्रीन ड्वार्फ शॉ फिश होती है, और ये फ्रेश वाटर को अवॉइड करती है, लेकिन ओकेजनली ये रिवर में चली जाती है कुछ पीरियड के लिए, और नहीं तो ये मेनली इसका हैबिटेट होता है वो समुद्री पानी ही होता है, सैलिनिटी को ये प्रेफर करती है। और जो नेरो शॉ फिश है, ये नेरो शॉ फिश जो है ये
जो नेरो शॉफिश है ये भी एक शॉफिश की कैटेगरी होती है, और ये इसके लिए ये माना गया है कि ये रिवर के ऊपरी साइड में, रिवर्स के ऊपरी साइड में भी, ऊपरी वाटर में भी पाई जाती है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म जो फैक्ट है वो नहीं है, ये कोई और स्पीसीज की शॉफिश है, नेरो शॉफिश नहीं है। अब अगर अपन इसकी रिप्रोडक्टिव हैबिट्स के बारे में शॉफिश की बात करें, तो सभी जो शॉफिशेज होती हैं वो ओवोविविपेरस होती हैं राइनोबेटस की तरह, और ये जो एडल्ट फीमेल्स हैं ये यंग को जन्म देती हैं, एग नहीं देती, लिविंग यंग को जो इमेच्योर स्थिति में होता है, कंप्लीट मेच्योर स्थिति में नहीं होता है, उसको बर्थ देती हैं, और ये हर एक साल बाद हमेशा एवरी सेकेंड ईयर ये इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और मेल्स जो होते हैं इसके, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पे जल्दी, फीमेल की बजाय जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, और फीमेल्स से साइज में छोटे होते हैं, और इसकी जो सेक्सुअली मैच्योरेशन की एज है वो है 7 to 12 years, और एक एनोक्सी प्रिस्टिस होती है उसमें सिर्फ 2-3 साल में ही सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है। सॉफिश आर प्रीडेटर्स दैट फीड ऑन, इनका जो फीड होता है मेनली वो ये क्रस्टेशियंस और मोलस्कंस को खाती है, और ये कुछ लार्ज प्रे पे भी, जैसे कि वेल और डॉल्फिन्स हैं, उन पर भी ये अटैक कर देती है, ऐसा कुछ स्टडी से पता चलता है, और फिर उनको जो पीसेस करके, फ्लैश को जो बड़ा कोई भी इसका प्रे होता है उसके पीसेस करके फिर ये इसको खा लेती हैं। लेकिन ऐसा, क्योंकि वेल और डॉल्फिन्स बहुत बड़ी होती हैं, उनको काट के खाना पॉसिबल नहीं है, तो ये कन्फर्म स्टडी नहीं है, कन्फर्म फैक्ट नहीं है। और जो ह्यूमंस हैं उसको भी ये कई बार शिकार कर लेती है, ह्यूमन का भी शिकार कर लेती है, और ये हार्मलेस होती है ह्यूमंस के लिए, इसलिए इसको कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ा जाता है, और इस वजह से ही इसको पकड़ करके काम में ले लिया जाता है ह्यूमन के द्वारा। तो ये जो थ्रेटन्ड स्पीसीज में ये आ चुकी है, और ये अपने शो को सेल्फ डिफेंस में यूज करती है प्रेडेटर्स के अगेंस्ट, जैसे कि शार्क है, और कैप्टिविटी में ये अपने शो को फाइट और ओवर हायरार्की फॉर फूड के लिए भी, ये फूड के लिए, हायरार्की के लिए, अपनी वो शो करने के लिए, हायरार्की में अपने आप को टॉप पे शो करने के लिए, और फूड के लिए और फाइट के लिए ये अपने शो का इस्तेमाल, अपनी जो आरी जैसा रोस्ट्रम है उसका इस्तेमाल करती है इस तरह से। और मेनली इसकी जो अपन देखें तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इसकी मेन इम्पोर्टेंस है, और एक इसका आरी जैसा जो रोस्ट्रम पाया जाता है ये इसकी मेन विशेषता है। और इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंस में अपन ने देखा कि ये थ्रेटन्ड स्पीसीज में कंसिडर की जा चुकी है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए उपाय करने की ज़रूरत है, इसको ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के स्टेटस पे ना पहुंच जाए, इसके लिए इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। थैंक यू।